अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये शर्ट डिज़ाइन। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पेपर बुकरम ले ली है, उसको मैंने फोल्ड कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब जो शोल्डर है वो मैंने 3.5 रखा है और नेक ड्रीप जो है वो मैंने 4 इंचज़ रखा है। ये आप पर डिपेंड करता है आप कितना रखते हैं। आप जितना डीप पहनते हैं आप उस 4 से ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको लाइंस लगा के मिड में हमने राउंड शेप कर लेनी है। अच्छे से हमने राउंड शेप करने के बाद जो बाहर वाला पार्ट है हमारा, उसके लिए हमने 1 इंचिस पर निशान लगाने हैं इसी तरह से राउंड में। जो अंदर वाली साइड पे हमने राउंड शेप की थी उसके बाहर वाली हम साइड पे हम इस तरह से निशान लगाते जाएंगे और राउंड शेप कर लेंगे। अब हम इस नेक को कटिंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े पे प्रेस करके हमने सेट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने शर्ट ले ली है, उसको फोल्ड कर लेना है हमने 2 इंचिस पर। फ्रंट से हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके 2 इंचिस पर हमने जो क्रीज बना लेनी है, अच्छे से प्रेस करके हमने ये क्रीज बना ली है। ये हमारा एक साइड का हो गया है, ठीक है, 2 इंचिस पर। अब हमने जो नेक बनाया था उसको हमने मिड में रख के इस तरह से तो यहाँ पे सिलाई लगानी है। सिलाई हम बाद में लगाएंगे, उसके पहले हम एक बॉर्डर यहाँ पे लेंगे, उसको हमने फोल्ड करके ये वाली जो साइड है हमारी इसकी हमने अलग से एक पट्टी बना लेनी है। तो हम पट्टी बना लेते हैं। ये देखिए पट्टी बनाने के बाद हमने यहाँ पे कुछ पट्टियाँ ले ली हैं, छोटी जो पीसेस ले लिए हैं जिसकी विड्थ और लेंथ जो है वो इक्वल है 2 इंचिस। अब हमने इसको त्रिकोण शेप में इस तरह से करके ट्रायंगल लेस बना लेनी है। ये सारी पट्टियाँ हमने इकट्ठी करके यहाँ पे जोड़ के हमने इसकी लेस बना लेनी है। तो ये देखिए अब हमारे पास लेस बन गई है। इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, ये मेरे पास पूरी वीडियो बनी है। इसको हम साइड पे कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एक डोरी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके भी कुछ पीसेस कर लिए हैं हमने। ये 2 कलर में है, लाइट और डार्क शेप। अब हमने इसको फोल्ड करके इस तरह से शेप कर लेनी है, इसकी हुक्स बना लेनी है। ये जो हमने ट्राइंगल लेस बनाई थी उसके हमने 3-3 पीसेस को अलग अलग कर लेना है और जो पट्टी बनाई थी उसके नीचे हमने इस तरह से इसको लगा के सिलाई कर लेना है। मैं आपको यूं भी रख के बता देती हूँ और पट्टी को खोल के भी आप लगा सकते हैं। पट्टी को हमने इस तरह से खोल के और इसके ऊपर हमने इस तरह से उल्टी साइड पर रख के सिलाई लगा लेनी है। ये देखें हमने जैसे पट्टी के साथ लगा के और इसको प्रेस करके सेट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, नेक को हमने ऊपर उठाना है और जो हमारी राउंड शेप है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको रख के ये देखें 4 इंचिस के ही अकॉर्डिंग, ठीक है। और हमने इसको नीचे की तरफ जितनी हमारी लेंथ है वहाँ पे लगाना है। हमने मिड में इसको नहीं लगाना, जो साइड पर हमने 2 इंचिस की क्रीज बनाई थी वहाँ पर हमने इसको लगाना है। इसको आप इस तरह से मेजर कर लेंगे। इस पट्टी को हमने पहले फ्रंट की साइड पे एक सिलाई लगा लेनी है। अगर आप बिगनर्स में से हैं तो आप इसको पिन के साथ सेट कर लेंगे। ये देखें सिलाई लगाने के बाद हमने पट्टी को, अब हम नेक की सिलाई लगा लेंगे और उसको कटिंग करके एक्स्ट्रा पार्ट को साइड पे कर लेंगे। अच्छे से कट्स लगाने के बाद मैंने नेक को यहाँ पे फोल्ड करके इसको प्रेस कर लेना है और पट्टी की जो दूसरी सिलाई लगानी थी हम वो लगा लेंगे। ये
ये देखें, इसको पहले अच्छे से सेट करके रखना है। और अगर आप बिगनर्स में से हैं तो फिर से मैं बता दूं कि आप पिंस लगा के भी सिलाई लगा सकते हैं। अब हमने बॉर्डर के लिए क्या करना है, दामन पे हमने बॉर्डर लगाना है, और बॉर्डर से पहले जो हमने ट्राइंगल लेस बनाई थी उसके हमने अलग अलग पीसेस कर लेने हैं। पहले हमने 3 पीसेस किए थे, अब हमने अलग अलग से एक एक पीस कर लेना है उसका। उसको हमने दामन के नीचे इस तरह से रख के गुम सिलाई में सिलाई लगा लेनी है। पहले हमने ट्राइंगल पीसेस रखने हैं और फिर उसके ऊपर हमने बॉर्डर रख के सिलाई लगा के इस तरह से सेट बना लेना है। तो ये देखें जी, हमारी जो शर्ट है वो तैयार हो चुकी है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। बॉर्डर की हम दूसरी स्लाइव लगा लेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।